दमन आने वाले पर्यटकों की भीड़ के कारण शनि रविवार को कल्चर चेक पोस्ट पर ट्रैफिक समस्या देखने को मिली। दमन में नौकरी से घर जाते लोग रविवार को 2 किलोमीटर लंबी कतारों के कारण ट्रैफिक में फंसने की नाराजगी जताई। संघ प्रदेश दमन पर्यटकों के लिए घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए पहली पसंद है। शनिवार रविवार सप्ताहांत के दौरान दमन में शाम को वापसी के दौरान कल्सर पटालिया ब्रिज पर भारी यातायात के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई। दमन में काम पर जाने वाली महिलाओं और शाम को घर लौटने वाले लोगों ने रविवार को पारड़ी के कल्सर चेक पोस्ट पर दमन से आने वाले वाहनों की पुलिस जांच और 2 किलोमीटर लंबी कतार के कारण जाम में फंसने पर गुस्सा व्यक्त किया। दमन से आने वाली बाइक मोपेड भी जाम में फंस जाती है। फिलहाल दमन देवका बीच जम्पोर बीच का नया नज़ारा देखने के लिए शनिवार और रविवार को लोगों की भारी भीड़ जुटती है। सूरत, नवसारी, वलसाड़, बिलिमोरा, बड़ौदा से पर्यटक दमन का आनंद लेने आते हैं, तब पारड़ी तालुका के कालसर और संघ प्रदेश के दमन को जोड़ने वाले पतले पुल पर वाहनों की लंबी कतार को लेकर हंगामा मच गया। दमन अपने परिवार के साथ घूमने या किसी काम के लिए जाने से पहले ट्रैफिक समस्या के बारे में 100 बार सोचना चाहिए। 2 घंटे जाम में न फंसना पड़े इसके लिए सभी का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है।